सो पहले हमें चलना पड़ेगा टिकट कटाने के लिए। सो फाइनली जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हम आ चुके हैं लखनऊ में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्थान पे। दोस्तों यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ हमें टिकट को दिखाना पड़ेगा। सो दोस्तों देख सकते हैं 5 जन हैं। हाँ इसको। सो हम एंट्री कर चुके हैं। धूप बहुत तगड़ी है, इसमें ब्लॉगिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा धूप तगड़ी है यार, मुख पे ही पड़ रही है। आने का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा इसमें, इतना इतना धूप लग रहा है कि हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ एक बार चलेंगे उस पर चलेंगे, अभी वो हाथियों को जाएंगे देखेंगे एक बार। देखिए दोस्तों कितना प्यारा बनाया गया है। पर मैं एक बार 2016 के समय स्कूल में एक बार रैली निकली थी, तो हम उस समय आए हुए थे यहाँ पर। 4 साल हो गया हमें आए हुए, और नवंबर मंथ में ही आए थे, और आज भी इस समय हम दिसंबर मंथ में आए हैं। 4 साल पश्चात 16 में आए थे, 5 साल पश्चात 21 चल रहा है। सो उस पर चढ़ेंगे हम, उस वाले, और उधर जो हाथी आपको दिख रही होगी वहाँ पर चलेंगे। सो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है और हमें अभी बहुत ज़्यादा, अभी ये हमारे मामा जी का एग्ज़ाम है, उनको दिलाना है, इसलिए हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सो ओ जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। सो चलते हैं उस पर, और आपको उस पर से कुछ इसका व्यू देते हैं। सो इतना प्यारा बनाया गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक और गाना शूट भी हुआ है, जिस गाने का बोल है, सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ये गाना शूट हुआ है यहीं पर, और हमें वहाँ से चढ़ना है। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। देखिए उस पर क्या लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। इतना प्यारा है, और इधर
वो गुंबद सा। बहुत ही विशालकाय बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति, देख सकते हैं ये इनका पैर है तो वो बैठे हैं। चुके और हम चलेंगे वहाँ पर जो उधर हाथियाँ बनी हुई हैं। ये हाथियाँ 60 हैं शायद, हमने उसी समय गिना था, शायद 60 ही हाथियाँ हैं। सो चलते हैं वहीं पर, समय नहीं है, नहीं तो इस पूरा अच्छी प्रकार से वीडियोस बनाता कि शॉर्टकट में जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमें अभी जाना है एग्ज़ाम देने हमारे मामा जी का, सो छूट सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। जो शूट होगा वो होगा, अन्यथा फिर कभी बनाएंगे आकर। देखिए दोस्तों, वहाँ से हाथियाँ बनाई गई हैं और पूरा यहाँ तक। समय होता तो एक एक के पास जाता, लेकिन क्या करूं, समय ही नहीं है और हम मुश्किल से यहाँ से 5 मिनट या 10 मिनट और रहेंगे, उसके पश्चात हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कितना बार बताएं कि हमारे मामा जी का पेपर है। हाथी दीर्घा, दोस्तों वहाँ पर देखिए, वहाँ तक हम जाएंगे नहीं क्योंकि जाते वक्त हमें 5 मिनट लग जाएगा वहाँ। देखिए शायद आप हाथी गिन सकते हैं, हमें तो दिख भी नहीं रहा, इसमें इतना ज़्यादा प्रकाश हमारे आँख पर पड़ रहा है, इतना ज़्यादा धूप है कि दिख नहीं रहा है। देखिए वहाँ तक और दोनों तरफ बनाई गई हैं, शायद हमने गिना था 60 हाथियाँ हैं ये। सो दोस्तों हम जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, घर नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं एग्ज़ाम दिलवाने हमारे मामा जी का। सो यहाँ समय तो व्यतीत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मामा जी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम पर पहुंचना भी है 2 घंटे पहले। सो फिर कभी यहाँ पर आएंगे तो उस समय ब्लॉग अच्छी प्रकार से शूट करेंगे और हर एक चीज़ का लोकेशन बताते हुए, क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी नहीं है, इसीलिए ब्लॉग अच्छी प्रकार से शूट नहीं, जो भी है सो है। सो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।